इस दुनिया में कि जिसका इमाम अली नहीं है। मेरी बात का मैंने क्या कहा कि वो भी कोई बंदा है, बोलिएगा वो भी कोई बंदा है कि जिसका इमाम अली नहीं है और फिर भी वो कहता है कि मैं बनता हूं। अच्छा बंदा क्या मतलब, आदमी कहता है जी मैं आदमी हूँ, अली इमाम नहीं है। तो मुझे मरहूम डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब का एक जुमला याद आता है कि वो आवारी में किताब की रहनुमाई थी, तो वहाँ लोग बड़ी तसल्ली से ना सारी तकरीब सुनते रहे। तकरीब खत्म हुई तो मेजबान ने अनाउंस किया कि अब ये तकरीब इख्तिताम हुई, तो चलिए आइए अब चाय की तरफ बढ़िए। वो सारे के सारे वो जितना नज्म सब था वो सारा वहां नजर आया, कितने नज्म सब से बैठे थे, किसी के हाथ में पेस्ट्री नहीं, किसी के हाथ में समोसा नहीं। तो मेजबान ने डॉक्टर ख्याल अमरोही शायर अहले बैत थे लहिया के, उनसे कहा कि आप भी आइए, आप भी खाइए। तो उन्होंने हजूम देखा तो पीछे हट गए, उन्होंने कहा नहीं भाई यहाँ आदमी नजर आ रहे हैं, इंसान बगैर इमाम अली के रखे हुए बंदा आदमी तो हो सकता है, इंसान नहीं। जानिएगा इंसानियत उसी के पास है जिसका रहबर अली है, जिसका इमाम अली है। अल्लाह शायद आसाना हो फिर इमाम मुबीन। अल्लाह ने हर शय गिन के रख दी, ये तर्जुमा है ना किबला, ये तर्जुमा ना कि वकुल्ला शायन आसाना हो फी इमाम मुबीन। अल्लाह ने कायनात की हर शय गिन की, जागेगा जागेगा, अल्लाह ने हर शय गिन के रख दी। घबरा तो नहीं गया, अल्लाह ने हर शय गिन के रख दी, किसमें इमाम मुबीन में, हर शय गिन के। क्या बात है, क्या हर शय। अगर मैं शय पर बहस करने लग जाऊं तो फिर खुदा की कसम सुबह फिर सारी जिंदगी हम शय शय करते रहेंगे। हर शय ही आपको शय नजर आएगी, मौत शय है, हयात शय है, खाना पीना शय है, ये कायनात, सूरज चांद सितारे हजर शजर सब कुछ क्या है, बोलिए हम और आप क्या हैं, शय। ये सब इनके किस में रख दी, इमाम मुबीन में। हर शय तो रख दी इमाम मुबीन में, तो फिर इमाम मुबीन खुद क्या है। जागिएगा जागिएगा, बेदार होइएगा, दावत फिक्र है, सुन लीजिएगा। क्या कहा कि हर शय गिन के तो रख दी इमाम मुबीन में, तो फिर इमाम मुबीन क्या है। हाँ जिंदाबाद, ये लुत्फ है, ये बुजुर्गों का, यानी अजादारी सैयदुल शहदा में बैठकर सुनने का। इन्होंने कहा कि जब हर शय इमाम मुबीन में रख दी तो इमाम खुद शय तो नहीं है। अब मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी कि हर शय रख दी इमाम मुबीन में, तो खुद इमाम मुबीन क्या है, खुद इमाम मुबीन क्या है। मेरे छठे इमाम से किसी ने कहा था मौला आप कब से हैं, फरमाया जब कब नहीं था, जब जब नहीं था, जब तब नहीं था, जब वक्त नहीं था, जब माहौल नहीं था, जब हालात नहीं थे, न जब हजर था न शजर था, न फलक था न मलक था, न चरिंद थे न परिंद थे, न जमीन थी न जमा था, न मकी थे न मका था, न बैतुल्ला था न बैतुल मकदस था, न करबला थी न ये कुछ था, कुछ नहीं था हम थे, कुछ नहीं था हम थे। शायद यहाँ जोड़ के का मौला जब कुछ नहीं था तो आप थे, तो फिर किस शहर से थे। मौला फरमाया बेवकूफ अभी भी हमारे लिए लफ्ज शह इस्तेमाल कर रहा है, सुन शह भी नहीं थी हम थे, ये शह से पहले थे तभी तो लाश है को शह ने तब्दील कर दिया। ये शय से पहले के थे, नहीं नहीं देखिए आगे मैं बता, मूसा नबी शय था तभी उसने शय से शय बनाई। मेरा थोड़ा सा दो मिनट नहीं मैं मेरा साथ दीजिएगा, मूसा नबी था उसने शय से शय बनाई, असाद था तो अजदहा बना। हाय 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 हाय, जागिएगा, शय थी तो शय से शय बनाई, आजाद था तो अजदहा बना। 14 शय से पहले के हैं, तभी तो जब महमूद ने आठवें इमाम के सामने गुस्ताखी की तो मौला ने बस कालीन पे बनी हुई आड़ी पीछी लकीरों को देखा, कोले सा जो शेर हो जा।
से पहले के हैं। शह भी नहीं थी, बोलिएगा बोलिएगा लुत लीजिएगा, शह भी नहीं थी, शह नहीं थी, ये थे। इमाम ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, जब कुछ नहीं था तो कहां थे। ना मेरा साथ दीजिएगा, या तो मेरे जो मैंने आपसे बात की है इसकी कोई दलील ले आए, या फिर जो मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा इमाम कह रहा है, फिर मेरे इस इमाम की बात को मानिए, क्योंकि हम खल की मानने के लिए हुए। कुछ नहीं था ये थे, तो मौला फिर किस शह से थे, फरमाया शह इस्तेमाल कर रहा, शह भी नहीं थी, हम थे, मौला थे तो कहां थे, फरमाया पहले तू बता मौलाना। अच्छा, हमेशा मैं आपको तरतीब बताता था, वो इमाम ही क्या कि जो अगली दलील ना दे।